आज फूलबाग पर पहुंच चुके हैं राजगढ़ विधायक जो रिडाल में। आपको बता दें कि अभी कांग्रेस का टिकट जो है अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जोहरीलाल मीणा बगावत की सुर तेज करते हुए आज फिर आज फूलबाग पहुंच चुके हैं। जोहरीलाल मीणा जी से बात करते हैं, क्या मामला है जी जोहरीलाल जी? मुझे अंदेशा आ गया कि मुझे टिकट नहीं मिले। मेरी जनता ये चाहती है कि सुनाओ जोहरीलाल लड़े, तो मैं पहले ही 30,000 वोट देती और अब मुझे टिकट मिलता तो मैं 30,000 से पूछता तो वोट देता। तो इसलिए मैं मेरे नेताओं को ये मेरा पीड़ा मेरे शंका पता के आया बताने के लिए आया हूँ कि आप मेरी मदद करें और मुझे टिकट मिला। कौन लोग हैं जिन्होंने आपका टिकट काटा है? वो तो कौन पार्टी है और काटे गुणे पार्टी है जो पार्टी काटती है और पार्टी के नेता है, इसलिए मैं इन्हें निवेदन करने जा रहा हूँ। अभी आप फूलबाग के अंदर भी गए, क्या बातें हुई? बात हुई जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास करते तो टिकट मिलता, प्रयास करते अच्छी बात है, प्रयास करते तो अच्छी बात मिल जाएगा। राजगढ़ से आपका टिकट फाइनल नहीं होता तो क्या आपके आगे की? मेरी जनता और मेरे कार्यकर्ता जो फैसला करेंगे जो हम, तो निर्दलीय आप मैदान में उतरेंगे? मैदान मेरे कार्यकर्ता के बात बात जनता फैसला करेगी, वो फैसला मान लेगी। जोहरीलाल मीणा जी का कहना है कि जो जनता फैसला करेगी उस फैसले के साथ रहेंगे। आप देखते रहिएगा पंजाब केसरी से, मैं अलवर से प्रदीप सिंह।